दिस इज महेंद्र पांडे। स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पार्टी लेजर देखा, पार्टी लेजर हम कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताया गया। जिसने भी लास्ट क्लास ना देखी हो वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक्सपेंसेस का, इनकम्स का तथा बैंक से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज बताऊंगा। फिर लेजर सेशन यहाँ से मैं ख़त्म करके अगले टॉपिक पर अपने चलूँगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा बिल बाय डिटेल। डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक ज़रूर करें तथा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम टैली की स्क्रीन पर अवेलेबल हैं पहले से, तो इसमें हम चलते हैं अकाउंट्स इन्फो पर। डियर स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स पे जाएंगे हम, यहाँ आ जाते हैं। देख रहे हैं सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर, हम सिंगल लेजर में चलते हैं, क्रिएट पर एंटर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं लेजर स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। तो हम जिन जनरल एंट्रीज को इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे हम उन्हें देख लेते हैं थोड़ा। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं जनरल एंट्रीज खुल गई हैं। इसमें सैलरी दिया, वेतन दिया 10,000 रुपये, सैलरी गिवन 10,000, सैलरी अकाउंट DR2 का है। सैलरी हमारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट नॉमिनल अकाउंट के रूल के तहत। सैलरी अकाउंट DR 10,000, टू कैश, कैश व्यापार से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करते हैं 10,000। ऐसे ही कमीशन दिया 15,000 रुपये, कमीशन अकाउंट DR टू कैश। कहने का मतलब जो भी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं व्यापार से जो जा रहा है खर्चे के रूप में, जिस प्रकार से मेरा खर्चा हो रहा है वो हमेशा डेबिट होगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे अदरवाइज कोई भी, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हो चाहे फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हो। तो ऐसे ही कमीशन दिया, कमीशन अकाउंट DR टू कैश। डियर स्टूडेंट्स, एक इनकम की एंट्री है रेंट फाउंड, किराया मिला 5,000 रुपये, कैश अकाउंट DR टू रेंट। कैश डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि जो संपत्ति व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, ऐसा रियल अकाउंट के तहत है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश व्यापार में आ रहा है इसलिए डेबिट हो गया। रेंट हमारा प्रॉफिट है, यहाँ पर लाभ है, हमें मिल रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो यहाँ टू रेंट हो जाएगा। अगला है एक बैंक की एंट्री है, SBI में जमा किया 20,000 रुपये, 20,000 डिपॉजिट्स इन SBI। तो SBI यहाँ पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला है, तो SBI अकाउंट DR 20,000 टू कैश, कैश व्यापार से जा रहा है 20,000। चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जिसमें हमें कैश का लेजर बनाना नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसमें एक अगर सैलरी है तो दूसरा कैश है, कमीशन है तो कैश है, रेंट अगर हमको मिल रहा है तो कैश है, रेंट है अगर हम जमा करें, मतलब एक पार्टी इसमें हमेशा कैश है। तो हमें केवल सैलरी का, कमीशन का, रेंट का और SBI का लेजर बना करके दिखाना आपको, जिसमें आपके एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड बैंक की रिलेटेड एंट्री है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, बैंक आ जाते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, तो हम यहाँ लेजर बनाते हैं सैलरी। कैश का लेजर हम नहीं बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टैली में कंपनी बनाने के साथ साथ आपका कैश तथा प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बाय डिफॉल्ट बन जाता है। हम सैलरी अकाउंट, सैलरी देखिए ऐसे खर्चे जो मंथली होते हैं डियर स्टूडेंट, फिक्स खर्चे जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं जिसे हम तुरंत देते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर सैलरी मंथली खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ये एक्सपेंसेस नेचर के अंतर्गत है। आई प्रेस कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम चुन लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप हम यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, सैलरी का कोई मेलिंग डिटेल होता नहीं है इसलिए यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह से आप देखें सिंपल है एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करना। ऐसे हम कमीशन का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, कमीशन अकाउंट, कमीशन भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चूंकि हम दे रहे हैं तो कमीशन एक्सपेंस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस
यहाँ भी हम इसी तरीके से, सिंपल तरीका है बनाने का, आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। हम एक रेंट का जो हमें मिल रहा है रेंट, तो रेंट जब हमें कोई भी चीज़ ऐसे ऐसी प्राप्ति या ऐसा इनकम जो मंथली हो, उसे हम इनडायरेक्ट इनकम में इनबिल्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट इनकम तो होने के चांसेस कंपनी को रहते हैं, बट इनडायरेक्ट इनकम बहुत कम रेयर केस में हो पाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट इनकम कर लेंगे यहाँ से और इसको भी हम एक्सेप्ट करा लेंगे। हम एंट्रीज का नेचर देखेंगे, किस प्रकार से एंट्री है, एक्सपेंसेस है या इनकम है, उसी हिसाब से हम लेजर में इंप्लीमेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक बैंक एंट्री है, SBI। देखिए बैंक में, बैंक से रिलेटेड ग्रुप है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने SBI अकाउंट यहाँ किया, जैसे ही हम अंडर में चले जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं हम बी प्रेस करते हैं, तो बैंक से रिलेटेड ये तीन खाते होते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक OCC एंड बैंक OD। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट जो होता है, इसमें हम चाहे करंट आपका अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, सब हम बैंक अकाउंट में डालते हैं। अगर दो लोन अकाउंट्स हैं, जैसे ओवर कैश क्रेडिट खाता है अगर आपका, तो बैंक OCC में डालते हैं, ओवर ड्राफ्ट खाता है तो बैंक OD में डालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसको बैंक अकाउंट कर लेंगे। हम मान रहे हैं हमने सेविंग्स किया, हम यहाँ लिख भी सकते हैं नेम में SBI सेविंग अकाउंट भी हम लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हमने SBI बैंक का नाम लिखा और यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट दे दिया। अब बैंक अकाउंट देते ही बैंक का डिटेल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अकाउंट, कोई भी अकाउंट में, वैसे एग्जाम्पल में कुछ डाल दिए, अगर इसका कुछ IFSC कोड आपको मालूम है तो आप डाल सकते हो, जो भी आपका यहाँ पर कोई भी IFSC कोड जो अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। सही नहीं था या मैच नहीं कर रहा है तो उस पे शो नहीं किया, मतलब वहाँ से एरर्स कुछ दे रहा था। बैंक में नॉट एप्लीकेबल, चूंकि बैंक का ही हम एंट्री बना रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम ब्रांच डाल दिए, अयोध्या डाल दिया हमने, ये बैंक कॉन्फ़िगरेशन है। बैंक से रिलेटेड अगर आपको चेकबुक वगैरह है तो उसका चेक नंबर वगैरह दिया जाएगा, बैंक इन्फॉर्मेशन है। मेलिंग एड्रेस, बैंक का कोई एड्रेस अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे कि ब्रांच अगर आप दे चुके हैं तो यहाँ आपको डालने की आवश्यकता है नहीं। इस तरह से हम बैंक अभी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इनकम्स और एक्सपेंसेस तथा बैंक के लेजर क्रिएट किए। डिस्प्ले करके भी हम देख लेते हैं, आप देख पा रहे हैं ये सारे लेजर्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। हम इसको हेड के साथ देखना चाहते हैं तो मल्टीपल में जा करके ऑल आइटम्स में डिस्प्ले करेंगे, तो सारे लेजर्स आपके यहाँ दिख रहे हैं और उनसे रिलेटेड अंडर हेड भी उनका यहाँ पर शो हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लेजर्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लेजर को हम कैसे टैली में, लेजर खाता हम कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज को बेस मानते हुए हम उससे रिलेटेड खाता बना लेते हैं, लेजर्स बना लेते हैं। हम लेजर पहले बना लेते हैं तो हमें बाउचर करने में बड़ी सुविधा हो जाती है, क्योंकि हमें वहां पर लेजर को क्रिएट नहीं करना पड़ता। हमारे पास जैसे यहाँ ग्रुप की लिस्ट दिख रही है, वैसे वहाँ लेजर की लिस्ट दिखेगी, वहां से अपने लेजर को चूज करके अपने वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ये मैंने बेसिक तरीके से लेजर का सेशन आज खत्म करा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा बिल वाइज डिटेल। डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।